सिक्स टू द पावर एक्स माइनस सिक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू 42 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये गिवन है तो हमें फाइंड करना है एक्स वाई की वैल्यू। सिक्स टू द पावर एक्स प्लस सिक्स टू द पावर वाई इज इक्वल टू 42 एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये दो सेट ऑफ इक्वेशन गिवन है, इसको हम 1 मान लें और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेशन 2 मान लें। इक्वेशन 1 को 6x प्लस 6y इज इक्वल टू 42 इक्वेशन 1 है ये हमारी। लेट करते हैं m इज इक्वल टू 6x, 6x को हम m मान लें एंड 6x को ही हम इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दें एंड मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 6x। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 6x से, तो ये हो जाएगा 6 टू द पावर 2x प्लस 6 टू द पावर x प्लस y इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 6 टू द पावर x। अब हम 6 टू द पावर x को लेट किए हैं m, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 6 टू द पावर x की जगह, तो ये बन जाएगा हमारा m स्क्वायर प्लस x प्लस y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3, तो हम 6x प्लस y की जगह लिख सकते हैं 3, तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर टू 6x की जगह m रख देंगे तो ये हो जाएगा 42m। तो इक्वेशन हमारी बन गई m स्क्वायर प्लस 6³ स्क्वायर टू 42m। अब हम इसको सॉल्व करें m स्क्वायर माइनस 42m, 42 हमारा इस साइड आ जाएगा प्लस 6³ इक्वल टू 216 स्क्वायर टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी m की टू वैल्यूज, तो ये टू वैल्यूज निकालेंगे कैसे, बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। माइनस 42 को हम टू पार्ट में स्प्लिट करेंगे जिससे प्लस माइनस करने पे हमारा 42 आ जाए एंड मल्टीप्लाई करने पे 216 आ जाए, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 6 एंड माइनस 36। माइनस 6 और माइनस 36 को अगर ऐड करें तो माइनस 42 आएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 216 आ गया। तो ये हमारी दो वैल्यूज हो गई। तो इसको लिख ले m स्क्वायर माइनस 6m माइनस 36m प्लस 216 इक्वल टू 0। अब m हम कॉमन ले लें, m स्क्वायर में से m कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा m माइनस 6। अब यहाँ से माइनस 36 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा m माइनस 6 एंड m माइनस 6 हम बोथ इक्वेशन से कॉमन ले लें, तो ये हमारी स्प्लिट हो गए दो पार्ट में m माइनस 6 एंड m माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कोई एक पार्ट 0 के बराबर होगा, तो हम एक एक करके दोनों को 0 को इक्वेट करते हैं। m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 6 एंड m माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमारी m की वैल्यू आ जाएगी 36। अब हमारे पास m की दो वैल्यूज़ है 6 एंड 36 एंड हमारा m क्या था, पहले हमने लेट किया था m इक्वल टू था 6x, तो हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यू क्या थी m इक्वल टू 6 एंड सेकेंड वैल्यू है m इक्वल टू 36। हम यहाँ पे m की जगह 6x पुट कर दें, 6x इक्वल टू 6 एंड 6x इज इक्वल टू 36। अब 6 की पावर 1 है तो 6x इज इक्वल टू 6 टू पावर 1, यहाँ पे 6x इज इक्वल टू 6 की पावर 2। अब x 6 बेस सेम है तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, यहाँ पे बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन गिवन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, हमारे पास x की वैल्यू 1 है तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 है तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1।
तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, फाइनल x और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x इक्वल टू हमारा 1 होगा तब हमारी x की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड y इक्वल टू 2, एंड जब x इक्वल टू 2 होगा वहाँ पे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 1।